कैसे हैं आप लोग, ज़रूर कमेंट्स करना। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ मेरा इवनिंग रूटीन। इवनिंग रूटीन तो ऐसे ही होता है हमेशा, मतलब रोज़, ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पीहू के लिए मैं लेके जा रही हूँ पोमेग्रेनेट। ओ माय गॉड, पीहू तो यहाँ पे कपड़े लेके बैठी दिन भर में। पीहू 3-4 कपड़े तो चेंज करती रहती, मम्मा मुझे ये पहनाना, पीहू के मूड के हिसाब से। तो बस पापा के पास लेके गई थी कि पापा मुझे ये पहना दो, और फिर बस वही कर रही हूँ यहाँ पे, कपड़े उसे चेंज कर रही हूँ मैं। और पापा जब आते हैं ना तो लड़कियाँ बहुत चेंज हो जाती हैं, मतलब और ज़्यादा नखरे हो जाते हैं। दिन भर तो करती ही हैं, बट पापा को देखने के बाद और ज़्यादा लाड़ में आ जाती है पीहू। तो बस ये पहना दिया मैंने कपड़े। और पीहू को ना वैसे भी फ्रॉक ये सब बहुत पसंद है, और बोलती मम्मी मुझे प्रिंसेस बना के रखो। सच में जादुई बर्तन है, देखिए 90 तक आने वाला है, और ये कॉर्न बहुत अच्छे से हो चुका है। अब इसे बंद कर देना है, मुझे लगता है 1-2 मिनट में ये कॉर्न रेडी हो गया। और ये टेम्परेचर अपने आप, ये इसमें अपने आप इसके स्टीम से ही पकेगा और टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा। और देखिए गैस की भी बचत होती है बहुत। तो आई एम सो हैप्पी विद दिस जादुई बर्तन है मेरे पास, सच में इसे तो मैं जादुई बर्तन ही बोलती हूँ। इसमें कॉर्न का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, काश आपको मैं टेस्ट करा पाती, बहुत बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे कॉर्न खाना इतना पसंद नहीं था, जब से मैं मॉल में जब मिलता था ना वो कॉर्न, वो खाती थी। और जब हम बॉईल करते तो इतना टेस्ट नहीं आता जितना इसका टेस्ट आता है, सच में बहुत। आई एम सो हैप्पी विद दिस प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, इवनिंग टाइम में समटाइम्स मैं बना लेती हूँ स्प्राउट, या फिर समटाइम्स डोसा, या समटाइम्स चाय या टोस्ट ही खा लेती हूँ, या समटाइम्स कुछ अलग 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 ट्राई करती हूँ। तो आज बना रही हूँ कॉर्न चाट। तो कॉर्न चाट में मैंने देखिए कॉर्न अच्छे से स्टीम कर लिया, और इसमें एक भी बूंद पानी नहीं लगता फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट। और यहाँ पर मैं मेयोनीज कॉर्न चाट बना रही हूँ, तो मेयोनीज अच्छे से ऐड कर देंगे यहाँ पर, और रेड चिली पाउडर ऐड कर दूँगी, और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूँगी, और ये कॉर्न चाट के रेडी हो जाएगा। बहुत ही इंस्टेंट बनता है और बहुत अच्छा लगता है खाने में। और कॉर्न चाट को आप बहुत सारे टाइप में बना सकते हो, बटर ऐड कर सकते हो, घी ऐड कर सकते हो, रेड चिली पाउडर सिर्फ अलग से ऐड कर सकते हो, चाट मसाला ऐड कर सकते हो, और कॉर्न का पकौड़ा भी बनता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, बट मैं ऑयली बहुत अवॉइड करती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है खाने में मेयोनीज डाल के। और किसे किसे मेयोनीज पसंद है ज़रूर बताना मुझे, और जो लोग मेयोनीज नहीं खाते ना बटर या घी डाल के भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं चोरी चोरी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, थोड़ी देर के बाद देखना हस्बैंड जी का रिएक्शन। तो यहाँ पर अनबॉक्सिंग हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो दिखा दूँ आप लोगों को भी कि यू नो ये एयरफोन है वन प्लस का, काफ़ी अच्छा मुझे लगा। तो बोल रहे थे तुम्हें चाहिए तो ले लो, मैंने कहा अरे यार मुझे कहाँ इतनी बात करनी होती जो मैं ले लूँ। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और 10 मिनट आप चार्ज करोगे तो 10 आवर्स तक चलता है ये। अभी तो लेके आए, आगे दिखाऊँगी इसका रिव्यू कैसा है। तो यू नो, और एक चीज़ और मंगाई है जो कि आज के डेट में मुझे लगता है ये मस्ट है। मैं बहुत दिन से सर्च भी कर रही थी फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे, बहुत ही महंगे महंगे थे, 5,000, 10,000, 25,000 ऐसे ऐसे रेंज थे, बट काफ़ी अच्छा है। और जैसे हम टेम्परेचर चेक करने वाला, तो ऑक्सीमीटर तो है मेरे पास, मैंने सोचा चलो इसे भी मंगा लूँ, क्योंकि आगे भी लाइफ में हमें यू नो लगते ही रहता है, बच्चों के लिए, हमारे लिए तो सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे देखिए ये कुछ अराउंड इन्हें मिला, शॉप से लिए इन्हें ट्रू व्यू, और मैंने इसका रिव्यू भी देखा तो काफ़ी अच्छा है। तो इन्होंने कुछ 1,500 में लिया, और 7,000 MRP है उसकी। ओह माय गॉड, 7,000, कितना ब्यूटीफुल बनाया लल्ला आपने, कैसे बनाते हो आप ये, क्या है पहले बताओ। मार्कर मैंने ब्लैक बोर्ड के लिए मंगाया था आपको, पापा। हाँ, ब्लैक बोर्ड के लिए मंगाया था मार्कर। नहीं मम्मी। वाह, अब आर्टिस्ट बनोगे लल्ला, ये क्या है ये तो बता दो। यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न बनाया है, वाह, गुड गुड गुड। यहाँ पे मैंने कांदा काट लिया है, और यहाँ पे मैंने टोमेटो चॉप कर लिया है, और ये मशरूम को मैंने मैरिनेट करके रखा है सिर्फ दही में,
इसमें हम डालेंगे एक तेज पत्ता और दालचीनी, काली मिर्च और इलायची। अनियन को अच्छे से हम छोटे कर लेंगे और जब एकदम अच्छे से ये भून जाए ना तो हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। हाय हेलो, कैसे हो आप लोग? ये देखिए पीछे वीडियो चल रहा है दीदी का। और अरे ये तो बहुत लोगों ने बोला शेयर करो तो हम शेयर करेंगे, तो बस। और मैंने एक वीडियो अभी अपलोड किया था बाल का, करी लीव्स का, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देखो मैं पिल्लू रानी, पिल्लू हाय बोलो। सो आज मैं शेयर कर रही हूँ अपना नाइट रूटीन तो नहीं, बस जो भी है वो थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ। और मैं बना रही हूँ मशरूम की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है दही वाली, तो आप लोग ट्राई जरूर करना। मैंने ऑलरेडी शायद शेयर किया है और एक वीडियो मैंने बहुत अच्छे से लिया था, बट आज थोड़ा अच्छे से शेयर कर रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है खाने में, आप लोग ट्राई करना और कॉर्न चाट जरूर बनाना, बहुत मस्त लगता है। जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने एक हाथ से एक्चुअली मोबाइल पकड़ रखी है और एक हाथ से मैंने पहले वीडियो रिकॉर्ड कर दी। ट्राईपॉड लगाने का ना ऐसा लगता है मुझे बहुत ये होता है, फिर यहाँ पे टर्न करो, फिर वहां से करो, फिर पोजिशन चेंज करना पड़ता है बार बार और साइड साइड में से। अब इसमें टोमेटो ऐड करेंगे, बहुत ही क्विक रेसिपी है ये, बहुत जल्दी बनती है। टमाटर बस गल जाए और फिर यम्मी डिलीशियस हमारी जो है मशरूम ना रेडी हो गई। मशरूम हमें खाना चाहिए, बहुत अच्छा इसमें तो हाई प्रोटीन होता है, बहुत ही अच्छा होता है। मशरूम किसे किसे पसंद है जरूर बताना। और ये मैंने बनाई है चटनी जो कि खत्म हो चुकी है धनिया पुदीना की, ये देखिए। तो धनिया और पुदीना मैंने ऐसे ही पीस के रख लिया क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होता है पुदीना, तो बस इसे ऐड कर दूंगी और इसे भी अच्छे से चला लेंगे। और थोड़े से मसाले ऐड करूंगी, ज़्यादा मसाला नहीं, मैं बहुत थोड़ा मसाला इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो मसालों में मैं ऐड करूंगी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर छोड़ देती हूँ, थोड़ा सा धनिया पाउडर, दैट्स इट। पता है मैंने क्यों ऐड नहीं किया बाकी के मसाले? ये मुझे मसाला मिला संडे मसाला, मालवानी मसाला, ये मुंबई में मिलता है, महाराष्ट्र में मिलता है, पता नहीं और कहाँ मिलता है, मतलब मैंने डीमार्ट से लिया। अमेजिंग अमेजिंग इसका टेस्ट, आप जरूर नॉनवेज खाते हो तो ये मसाला आप जरूर यूज करना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसीलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर स्किप किया क्योंकि इसमें ऑलरेडी है, तो बस थोड़ा सा डालेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया मुझे लगता है कैमरा देखते देखते, बस तो थोड़ा सा डालना होता है। और आपकी भाजी है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। तो मालवानी मसाला मुझे तो बहुत पसंद है और आगरी खाना ना बहुत अच्छा लगता है, किसे किसे पसंद मुझे बताना जरूर। बहुत स्पाइसी बनाते हैं और इतना अच्छा लगता है ना, बस इसे थोड़ा सा और ढक के पकाऊंगी मैं। इसे ढक देंगे अराउंड 2 से 3 मिनट स्लो फ्लेम। साइड में बर्तन निकलते रहते हैं, मैंने यहाँ पे मालनी रख दिया। मालनी ये रखने का ये फायदा होता है ना कि यहाँ पे बर्तन सूखते हैं, लगाते जाओ, फिर यहाँ पे रखते जाओ, फिर यहाँ पे करते जाओ, तो ये मुझे अच्छा लगता है। बट मेरा किचन तो ये है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, देख सकते हो, तो इसलिए ना ये इस पे रखो ना तो बहुत कंजस्टेड हो जाता है। और मैंने कॉर्न चाट बनाई थी, जरूर बनाना, बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी, तो ये किचन टॉप और थोड़ा सा मैसी हो चुका है, अभी पोंछना है मुझे। तो मैंने सोचा अभी जो हमने इवनिंग का बर्तन किया वो धो के यहाँ पे लगा ली हूँ, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा धो के रखते जाओ ना तो काम का लोड नहीं आता, एटलीस्ट बर्तन का लोड नहीं आता, बाकी तो काम होते ही रहता है। काम
के बीच में ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी है, तो थोड़ा थोड़ा अपना केयर करती रहती हूँ। ये खजूर जो कि मैं खाऊंगी, तो ये खजूर जो कि बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगा टेस्ट। ये सीडलेस है, यहाँ पे ट्रांस फैट फ्री, नो एडेड शुगर, तो डायबिटीज पेशेंट भी खा सकते हैं। तो ये खाऊंगी और पानी पीऊंगी। तो ये है मेरी बड़ी ग्लास इतनी, जो मैं पानी पीती हूँ आराम से सिप सिप करके। सो थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद आ गई हूँ वापस से किचन में, और यहाँ पे मैंने कॉर्न और मशरूम ऐड कर दिया है। दही में मैंने फेंट लिया था इसे, जैसे कि मैंने पहले कहा, और यहाँ पर अच्छे से इसे स्टर कर लेंगे और इसे ढक देंगे। ढकने के बाद ना मशरूम खुद ही पानी छोड़ देता है, तो आप वैसे भी स्टीम कर सकते हो, अदरवाइज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ ताकि थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा मुझे नहीं पसंद आता, तो इस तरह से। और बहुत ही इंस्टेंट बन जाता है, विद इन 10-15 मिनट में ये आपकी सब्जी ना बन के रेडी हो जाती है। और यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, और तो जब तक पीहू और पीहू के पापा बाहर खेल रहे हैं, देखिए मैंने घर अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया वापस से, और ऑर्गेनाइज घर ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। सो आज की मेरी थाली मशरूम की सब्जी, चावल, प्याज, और ये मेरे देवर ने रोटी बनाई। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। बहुत ही अच्छा बना है, टेस्टी बना है, ज़रूर ट्राई करना। खाना खा के यहाँ पे राउंड मार रहे हैं, और पीयू कुछ बोलना चाहती है। नहीं करते हैं। पीयू कुछ बोलना चाहती है, पीयू बोल दो। नहीं नहीं नहीं, हम लोग पीयू बोल रहे हैं मेरे मम्मा का चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, बाय बाय। तो आपको अच्छा लगता है ना?